सलाम मेरे अजीज लिस्नर्स वेलकम बैक योर ओन चैनल टूडेजी कार्बुन तेबरम बाई सम बख्तावर मुझे याद आया था अभी तुम्हारे हानी मामों का फोन आया तुम से उन्होंने बात करनी थी रिम शाह एकदम उसके हानी मामों कहने पर झटके से उसे देखने लगी थी चौंक तो वक्त भी गई थी हनान मामों का फ़ोन आया था है क्यों पता नहीं जाओ कॉल करो मैंने भी पूछा था तो कह रहा था कि वक्त को दो शायद सुबह जो आया था उसके हवाले से बात करनी होगी अच्छा मैं देख कर आती हूँ आप ही आप भी आ जाएं अगर आप रिलैक्स होना चाहती हैं तो बैठ भी सकती हैं नहीं ये बैठी रहेगी इनके साथ मैं भी बैठूंगा हमारी नई नई शादी हुई है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा क्यों मिशी ब्रैकेट रिमशा ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाईं उसकी जरूरत कैसे हुई मुझे मिशी बुलाने की हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला कोई शादी नहीं हुई आप ही को आप तंग करेंगे वो अपसेट होंगी और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जाती हो कि नहीं सिकंदर ने तेजी से कहा रिमशा उठने लगी कि सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ कर रोका था मगर उसका पैर स्लिप हो गया था और वो सीधा पीछे पूल में जाकर गिरी थी बख्त ने एकदम मुंह पे हाथ रखा जबकि सिकंदर की हंसी छूटने में देर नहीं लगी थी रिमशा एकदम अपने बाजू और पैर हिलाने लगी थी उसके अंदाज में तड़प थी उसे तैराकी बिल्कुल भी नहीं आती थी सिकंदर ने ध्यान दिए बिना हंसना शुरू कर दिया था अब आया ना मजा देखा वक्त मुझे कैसे तंग करती थी हो गई ना मैडम गीली मामा आप ही डूब रही हैं कम मौन वक्त पानी इतना भी डीप नहीं है कि नन्नी बच्ची डूब जाए बख्त ने उन्हें देखा था फिर रिमशा को जो सच में कह रही थी कि उसे स्विमिंग नहीं आती मामा आपी को बिल्कुल भी तैराकी नहीं आती वो देखें आपी हाथें सिकंदर ने उसका हाथ पीछे किया रिमशा वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो एकदम पानी की गहराई में डूबती जा रही थी खौफ से उसकी सांसें रुक गई आपी सिकंदर ने घूम कर देखा तो वाकई रिमशा गायब हो गई थी एकदम उसके दिल को कुछ हुआ पानी की डेप्थ वाकई ज़्यादा थी ये खास उसने अपने लिए बनवाया था ताकि वह प्रैक्टिस कर सके कि अगर उसे समुंदर में जंप लगानी पड़े तो उसके बावजूद गहराई में भी वो बड़े आराम से तैराकी कर सके उसने ऑटोमेटिक सिस्टम से चेक किया तो तीस फुट गहरा था यह तीस फुट किसने किया पूल तो पंद्रह फुट पे होता है उसने कहते हुए फौरन बिना सोचे समझे जंप लगाई बख्त को भी ख्याल आया कि वो बटन से पूल फ्लोर को ऊपर कर सकती थी वो जल्दी से भागते हुए दूसरी जानब घूमी थी और पूल को तेजी से पंद्रह फुट पिलाई थी सिकंदर एकदम बाहर आया था रिमशा बख्त, पूल में नहीं है वो सिकंदर उसका दुपट्टा पकड़े दूसरी तरफ तैर के आया आप ही तो वो कुछ कहने वाली थी जब पूल के दूसरे कोने में बख्त के बिल्कुल सामने खड़ी रिमशा गीली हुई अपने मुंह पे हाथ रखती हंसी गोरों के उसे खामोश होने का कह रही थी बख्त ने पहले हैरत से रिमशा को देखा फिर उसकी शरारत समझ में आई तो आपी को स्विमिंग आती है ऐसे ही मामा को गिराना था बस सिकंदर फिर ऊपर आया और उसने अपने सर पे हाथ फेर कर उस तरफ देखा जहाँ मोहतरमा बाहर खड़ी मुस्कुराते हुए चिड़ाने वाले अंदाज में उसे देख रही थी पहले तो वो बस उसे देखता रहा एकदम उसे गुस्सा आया जाहिर है जब मैडम उसे नीचे नहीं मिली तो उन्होंने बाहर ही होना था कितना जल्दी और आसानी से उसके हाथों बेवकूफ बना था वक्त की भी हंसी एकदम छूट गई तुम्हें तो मैं बताता हूं। सिकंदर जल्दी से पूल से बाहर निकला और रिमशा तेजी से बाहर की तरफ भागी दरवाजे के साथ टेक लगाए वो अपने सोए हुए बाप को देख रहा था जिसको नींद ना आने के बाइस नींद का इंजेक्शन लगा दिया था कि वो बिना केस बेचैनी या परेशानी के आराम से सो सके डॉक्टर्स ने उन्हें एक दिन अस्पताल में रहने का कहा था हालांकि हदीत आलम ने कहा था कि आज ही उन्हें डिस्चार्ज कर दें वह बिल्कुल ठीक है मगर फ़ारूक़ और उनकी बेगम के कहने पर वो खामोश हो गए बेहोशी के दौरान वो बार बार शेरु शेरू का नाम ले रहे थे उसे समझ नहीं आई कि शेरू कौन है उसने बाद में माँ से पूछा तो माँ पहले हैरत से उसे देखती रही कारत से बोली उन्होंने उसका नाम लिया वो कमीना इस सब का जिम्मेदार है उसकी वजह से उनकी ये हालत हुई तो वो उसका नाम ले रहे थे मगर मम्मी उसका नाम सिकंदर है भला वो शेरू कैसे हो क्या तुम बोल गए हो फारूक जब वो हमारे घर में होता था तो उसका मनहूस हमारी माँ और बहन उसे शेरू बुलाती थी सिकंदर तो उसके बहनों ही ने नाम रखा था वो गुंडा उसे भी गुंडा बनाकर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो सिकंदर का असली नाम क्या है सिकंदर उसका भाई ज़रूर था एक अरसे के लिए दोनों साथ रहे थे मगर फ़ारूक ने कभी उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं ली उसे उसका नाम भी सही से मालूम नहीं था सिकंदर उस घर का फ़र्द होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं था और वो बहुत छोटा था जब सिकंदर उस घर को छोड़कर चला गया था फिर वो भी छोटी उम्र में ही लंदन में जाने के बाद तो बहुत ही उसे भूल गया था माँ उसका नाम लेने ही वाली थी जब डॉक्टर्स की इतला पर दोनों की तवज्जो हट गई थी फिर माँ घर चली गई और उसे भी भूल गया था अब बाप को देख कर उसे अचानक याद आया था उसे जाना था उसे जानना था कि पास्ट में क्या हुआ था सिकंदर ने घर क्यों छोड़ा था गुंडा कैसे बना था सबसे बढ़कर उसका असली नाम क्या था फिर उससे भी बढ़कर उससे, बढ़ उससे बदला भी लेना था दरवाज़े पर अचानक पड़ने वाली दस्तक पर बिस्तर पर बैठी सोच में गुमरिम शाह एकदम चौंक गई दस्तक देने वाले पे हैरान हुई थी कि अंदर इजाज़त लेने वाले बंदे को नहीं पता कि वो बोल नहीं सकती अब दरवाज़ा खोलने के लिए उठना पड़ेगा मेजारी से कंबल अपने गिर्द हटाते हुए वो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला एकदम चौंकी फिर घबराती नज़रों से उसे देखने के बाद दरवाज़ा बंद करने लगी सिकंदर ने दरवाजे के बीच में बाजू रख के उसे दरवाजा बंद करने से रोक दिया मैं यहाँ तुमसे बदला लेने नहीं आया मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ वह उसकी बात को इग्नोर करके दरवाजे पर जोर लगाती मगर उसकी थकी हुई आवाज़ पे वो ना चाहते हुए भी पीछे हो गई और सिकंदर ने दरवाजा पूरा खोल कर अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद किया रिमशा ने हैरत से उसको देखा उसे जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था दिल में हजारों अंदेशे जन्म लिए थे अंदेशों ने जन्म लिया था ऐसे खड़ी क्या देख रही हो मैं सच में बदला लेने के मुझ में नहीं हूँ रिमशा। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू उसके बाद पर रिमशा के माथे पर सिलवटें उभर आईं जिसकी तो सिकंदर को बिल्कुल थी इसीलिए गहरा सांस लेता उसका हाथ पकड़ के बेड के सामने मौजूद सोफे पे खुद बैठा और उसे अपने साथ बिठाकर उसका हाथ छोड़ दिया वो पहले खामोशी से उसे तकने के बाद अपनी नज़रें फेर चुका था रिमशा को उसके अंदाज से बेचैनी हुई ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है कोई बात ज़रूर हुई है मेरे मम्मी पापा उनके बारे में सोचते हुए अचानक उसे घबराहट ने आन लिया रिफ्लेक्स एक्शन ने उसे सिकंदर का बाजू पकड़ने पर मजबूर किया सिकंदर ने एकदम सर उठाकर उसे देखा उसके चेहरे पे परेशानी रकम थी और वो समझ गया था कि उसका चेहरा किस वजह के तहत इतना पीला हो गया था आंखें घुमाते हुए उसने होले से हंसकर उसका हाथ थपथपाया थप कम ऑन अगर मैं शांत हूँ और खामोश खामोश सा एक जेंटलमैन बनकर तुम्हारे पास बिना तंग किए बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बुरी खबर सुनाने आया हूं उसकी बात पर अचानक रिमशा का दिल पुरसकून हो गया उसने उसे घूर कर एकदम अपना हाथ उसके हाथ से निकाला सिकंदर ने इस बार उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर उसे तंग नहीं किया उसे देखने के बाद वो दोबारा अपनी नज़रें फेर कर वुडन फर्श को देखने लगा उसे हुआ क्या है अभी कुछ घंटे पहले मुझे जान से मारने के दर पे था अब रात के इस वक्त इतना खामोश क्यों है सिकंदर ख़ामोश और सात अजीब लग रहा था तुमने कभी किसी का कत्ल किया रिमशा उसके अजीब सवाल पर रिमशा ने झटके से सर उठा के उसे देखा था वो फर्श को ही घूर रहा था वह इस वक्त सफेद शलवार कमीज में मलबूस था बाल उसकी उंगली बार बार फेरने के बायस कदरे उलझे हुए थे चेहरे पे थकन आँखों में उदासी कुछ तो अजीब था बताओ तुमने कभी कत्ल किया है ये कि कैसा सवाल था किया तो नहीं है मगर इरादा है कि बहुत जल्द करूं और वो भी तुम्हारा सिकंदर ने कन अक्खियों से उसके अंदाज़ को देखा तो उदासी के बावजूद उसको राय बगैर न रह सका अब पूरा घूम कर उसकी तरफ मतवजा हुआ और बाजू सोफे की पुष्ट पर रख कर बोला कब है इरादा आपका ज़रा हमें तो पता चले वैसे एक रास की बात बताऊँ तुम ऑलरेडी कत्ल कर चुकी हो मेरा इस दुनिया की सारी औरतों के लिए तो मैं भई डेड हो चुका हूं सिवाय तुम्हारे रिमशा ने अपनी आंखें घुमाई उफ ये आदमी तुम अपनी आंखें कुछ ज्यादा नहीं घुमाती उसके बाद पर वह सोच के रह गई कि वो उससे ज्यादा और कर भी क्या सकती है उसे जंजीरों में कैद करके अब उसकी आंखों और एक्सप्रेशन को भी अपने काबू में करना चाहता है सिकंदर उसे देखता रहा जबकि वो सामने दीवार को उन दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी आ गई थी हिमशा चाहती थी वो अब यहां से जाए जबकि सिकंदर चाहता था वो उसको देखता रहे काश वो बोलती तो कितना अच्छा होता उसे तंग करने में दुगना मज़ा आता वो औरतों के बहस और उनके बोलने से सख्त जुड़ महसूस करता था वो तो इस गैदरिंग से कोसों दूर रहता था जहाँ औरतें बोलती हुई नज़र आती थीं उसका कहना था अगर उसे बीस करोड़ भी दे दिया जाए उनके पास आकर बैठने का या खड़ा होना भी गवारा नहीं करेगा मगर अब उसका दिल कर रहा था यह लड़की उसके साथ बोले उससे लड़े उसे अपनी तेज़ बातों से इतना पागल कर दे कि वह हर पल उसकी बातों को सोच कर अपने बुरे मूड को झटक कर उसको सोचते हुए मुस्कुराए। तुम पैदाइशी ही ऐसी हो कि किसी हादसे की वजह से तुम बोलने से महरूम हो उसके बेसाख्ता कहने पर रिमशा एकदम साखित हो गई गर्दन मोड़ कर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था डॉक्टर से कभी मिली हो कि इसका इलाज हो सकता है कि नहीं उसने अपनी गर्दन पे उंगली रखते हुए बड़े आम से लहजे में कहा मगर रिमशा को इस वक्त उसकी बात किसी ताजियाने की तरह लगी चार दिन नहीं हुए उसे अपनी असली औक़ात पे आते हुए मर्द को जितनी भी खूबसूरत खामोश तबीयत की बीवी चाहिए होती है मगर मुंह में ज़बान भी ज़रूर हो जो सिर्फ उसी के ही गुनगाती रहे अब उसे गुनगाने के लिए मेरी आवाज़ चाहिए थी दुपट्टे को मुट्ठी में लेते उसने अपनी निगाहों को फेर लिया उसकी आंखों में एकदम से जलन महसूस होने लगी थी इसे भी मेरा गूंगा होना चुभने लगा वो भी इतनी जल्दी हेलो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उधर क्या देख रही हो मैं जिधर भी देखूँ इसे क्या निकल क्यों नहीं जाता मेरे कमरे से इससे पहले इसका कीमा बना दूँ मैं चलो दाऊद का ही बता दो मुझे पता है वो एक इमेजिनेटेड बंदा है मगर इसी बहाने तुम्हारी दिल की फीलिंग्स ही पता लगेंगी कम से कम मेरी आंखों में आंखें डाले बोलोगी तो सही रिमशा की बर्दाश्त इस बात पे ख़त्म हो गई तेज़ी से उठकर वो कमरे का दरवाज़ा खोल कर निकल पड़ी सिकंदर हक्का बक्का रह गया तेज़ी से उठ के उसके पीछे गया जो अपने आंसू तेज़ी से साफ करती नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी कहाँ जा रही हो ऐसा क्या कह दिया मैंने बहुत नखरे हैं इस लड़की के वो बोलते हुए उसके पीछे आ रहा था मगर उसने अपनी रफ्तार बड़ी आहिस्ता रखी थी ज्यादा से ज्यादा लॉन में जाएगी इससे आगे तो कुत्ते घूम रहे थे खुद ही वापस आ जाएगी डरपोक लड़की अगर इसने मुझे रोकने की जरा सी भी कोशिश की तो इसको गोयाई से महरूम कर दूंगी समझता क्या है खुद को अल्लाह तला ने अगर उसे मुकम्मल इंसान बनाया है तो इसमें उसका कौन सा कमाल है मगरूर आदमी जहनुम में ही जले उसने तेज़ी से चलते हुए सामने लटकी बंदूक देखी तो रुक कर उसे देखने के बाद फौरन उस तरफ बढ़ी सिकंदर ने हैरत से उसे देखा जो अब बंदूक उतार रही थी एकदम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ी स्वीट हार्ट भारी है गिर चौकी रिमशा ने पकड़ तो ली थी मगर सिकंदर ने सही कहा था वाकई बंदूक भारी थी मगर बगल में घुसा कर उसने दोनों हाथों से सख्ती से पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी सिकंदर को जाने से पहले आंखें दिखा कर गई थी कि मेरे करीब मत आना सिकंदर ने हाथ ऊपर कर लिए थे मेरी मजाल अब खुद भाग कर मैडम बंदूक फेंक कर ना आई तो मेरा नाम भी सिकंदर हदीद दही दाखिले दरवाजे से निकल कर वो इर्द गिर्द देखने लगी फिर दूर सामने गेट पे खड़े दो गार्ड्स के सामने घूमते काले कुत्तों को देखा तो उसे सांप सूंघ गया हथेली पसीने से भर गई तभी सिकंदर बड़े आराम से उसके पीछे आ रहा था और बिल्कुल चिल था रिम्शा ने दांत पीसते हुए सोचा अगर वह गुंडा है तो वो भी उसी की बीवी के साथ एक पुलिस वाले की बेटी भी है इसका सबूत उसे अच्छी तरह देगी क्या हुआ रुकी क्यों हो तुम अभी तक गई नहीं मैंने सोचा मेरी बेगम सही अभी मेरे बंदों को धमकी देकर गेट भी खुलवा चुकी होगी मगर मोहतरमा ने मुझे मायूस किया सिकंदर की बात पे वो घूमकर बंदूक की नाल उसके सीने पे कर। उसे पीछे किया। मेरे से दूर रह के बात करो और गेट खुलवाओ अब हाथों से बेचारी थोड़ी समझा सकती थी आंखों से काम चलना था सिकंदर को उसकी बात समझ आ गई थी मगर मासूमियत से तकते हुए बोला मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई जो आप क्या कह रही थी रिमशा का दिल किया ट्रिगर दबाकर इसमें मौजूद सारी गोलियां उसके सीने के अंदर उतार दे वो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि कुत्ते के, के एकदम भोंकने पर वो उछली और उसके हाथ से बंदूक छूट कर सीधा उसके पैरों पे जाके गिरी एकदम उसके मुंह से चीख निकली सिकंदर ने हैरत से उसके निकलती चीख को देखा मगर रिमशा को उस वक्त होश नहीं था उसकी आंखों में बेसाख्ता पानी निकला था और उसने अपने पैरों की तरफ झुक कर हल्का सा कोहराई भी थी सिकंदर मजीद उसकी आवाज पे गौर करता उसने तेज़ी से रिमशा को अपने बाजुओं में उठा लिया उसकी चीख पर फौरन कुत्ते भोंगते हुए उस तरफ आए थे मुख्तलिफ कुत्तों की भोंकने की आवाज़ पर रिमशा दर्द बुला फौरन डर कर सिकंदर का गिरेबान थाम चुकी थी और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी सिकंदर को एकदम उसके अंदाज पे हंसी आई यार बहुत ही ज़्यादा मायूस किया आपने मुझे इतनी डरपोक इतनी नाजुक खैर कसम से मजाक नहीं उड़ाऊंगा तुम्हें देख मुझे एक गाना याद आया तो मैं वही गाऊंगा जानम देख लो मिट गई आगे नहीं आता अच्छा पढ़ के सुना देती हूं। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहां हूं यहां जितना वो दिलकश था उसकी आवाज में उतनी ही दिलकशी थी रिमशा एकदम ठहर सी गई उसका गिरेबान था मैं उसने अपनी निगाहें उसकी तरफ उठाई थीं जो नाक की सीट में चलते हुए ऊपर उसे लेकर जा रहा था वो अब सीटी पे धुन बजाते हुए दरवाज़ा हैंडल से खोल रहा था उसने गाना बीच में क्यों छोड़ दिया इतना अच्छा तो गा रहा था रिमशा दर्द डर सब भूल गई थी वो अब कमरे में दाखिल हो चुके थे और सिकंदर ने उसे बिस्तर पर बिठा उसके पैरों का जायज़ा लिया जबकि वो एक ट्रांस किसी कैफियत में उसे तक रही थी उसके पाँव सिर्फ सुर्ख हुए थे चोट नहीं लगी थी नील सुबह कल सुबह तक पड़ जाएंगे इसका तो कुछ नहीं कर सकता हाँ अलबत्तः गर्म कपड़ा तुम्हारे पैर पे, पे बांध दूँ ताकि दर्द ना हो ठीक है उसने कहते हुए रिमशा से पूछा जो उसे देख रही थी मगर वो किसी और ही दुनिया में पहुँची हुई थी सिकंदर ने साइड टेबल पे पड़ा उठाकर कर मुलाजमा को चंद हदायत दी फिर बंद करके उसे देखा जो अभी तक खामोशी से उसी के हाथ तक रही थी आई नो मेरे हाथ बड़े प्यारे हैं तुम्हारे ही हैं पकड़ सकती हो इन्हें उसके शरारत से कहने पर रिमशा का ट्रांस टूटा था और उसकी बात पे गौर करते उसने उसे घूर कर अपने पांव पीछे किए तीस मार खान बनने चली थी अब कैसी भीगी बिल्ली बनी हो किसने कहा था इतनी भारी बंदूक पकड़ने को मुझे कह देती मुझे अपनी गंद मैं खामोशी से दे देता तुम्हें बिल्कुल कितनी खामोशी से देते तुम इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था मुझे बीपी तो नहीं लो हो रहा अक्सर इस तरह बड़ी जोर से लगने से चक्कर आ जाते हैं हाँ इस तरह तुम मेरे सामने बैठे रहे तो ज़रूर हो जाएगा बीपी लो मेरा खुद से कहते वो उसकी तरफ से रुख मोड़ चुकी थी एक दो तो बंदे ने मदद की मैडम थैंक यू कहने की बजाय ऐसे नखरे दिखाकर रुख मोड़ रही हैं भलाई का तो ज़माना ही नहीं है भाई भलाई करे वो भी सिकंदर हदीद आलम वट अजोक पर से मैंने गाना भी एक पत्थर लड़की पे ज़ाया किया मजाल है जो मेरी तरफ देख कर तारीफ ही कर देती चलो वो नहीं कर सकती तो प्यार ही कर देती इस वक्त हनान मुझे ये सब करते हुए देखता तो लाजमी उसने बेहोश हो जाना था देखो क्या क्या मुझसे करवा रही हो तुम रिमशा ने तेजी से हैरत से मुंह खोले अपना सर उसकी तरफ घुमाया जो बिल्कुल एक शिकायती बच्चे की तरह मुंह बसोरे उसे देख रहा था मैं करवा रही हूं ये सब हाँ सारा इल्जाम मुझ पे लगा दो मुझे किडनैप भी तुमने मेरे कहने पे किया था ये भी बोल दो सारी कसर पूरी कर दी ये बात क्यों रहने दी उसने तेजी से हाथ हिलाते हुए अपनी बड़ास निकाली थी सिकंदर को बिल्कुल उसकी बात पल्ले नहीं पड़ी इससे पहले वो कुछ कहता दरवाजे पे पड़ने वाली दस्तक पे उसने रिमशा को घूरते हुए दस्तक देने वाले को अंदर आने का कहा ने नेट्रे साइड टेबल पर रखी जिसमें साफ साफ कपड़ा पड़ा हुआ था उसके साथ दूध का ग्लास और फ्रूट की प्लेट भी मौजूद थी ठीक है जाओ मुलाजमा सर को खम करते हुए दरवाज़ा बंद करके चली गई अब लड़ना बाद में ये दूध पियो तब तक मैं कपड़ा तुम्हारे पाँव पे बांधने लगा हूँ उसने ग्लास रिमशा को थमा कर कपड़ा उठाने लगा कि रिमशा ने तेज़ी से उसकी कलाई पकड़ के उसे रोका जो भी था वो कभी मर कर भी सिकंदर से ये काम नहीं करवा सकती थी क्या हुआ प्लीज़ रिमशा बाद में लड़ना उसने उसकी बात पर सर ज़ोर से नफ़ी में हिलाते हुए समझाया कि वो खुद बांध लेगी दिमाग खराब है इस लड़की का वो इतना कहकर उसकी बात अनसुनी करता कपड़ा उठाकर उसका पैर खींच कर तेज़ी से कपड़ा बांधने लगा रिमशा ने हल्का सा सिस की मगर अंदर उठते दर्द को उसने अपने अंदर ही दबा लिया था तुमसे बहस के चक्करों में आधा घंटा इसी कामों में लग जाना था अब दूध खत्म करती हो या मैं ज़बरदस्ती पिलाऊं मैं बच्ची नहीं हूं। उसके इशारे पे वो आंखें सुकेड़ते हुए बोला हरकतें तो बच्चों वाली हैं आपकी रिमशा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में पूरा दूध पी कर ट्रे पे फेंक कर मुंह साफ करते हुए हाथ जोड़े कि अब उसकी जान छोड़ दी जाए इशारा साफ साफ दिया वो कहते बिस्तर पे रख कर थोड़ा सा फैल कर बैठते हुए बोला मेरा कमरा काफी ठंडा है तो चला डालो गर्म हो जाएगा उसके अंदाज पर सिकंदर अपने कह कहे पे काबू न रख सका था उफ यार तुम बोलती क्यों नहीं हो वैसे बोलने लग गई तो मेरे मैदे ने फौत हो जाना है उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोला मतलब हंस हंस के बड़े मजे की चीज हो तुम फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मैं सोचता हूँ किसी एक डॉक्टर से बात करूँ तुम वैसे चीखी थी मतलब कि पैदाइशी मामला नहीं लग रहा उसकी बात पर रिमशा फ्रीज हो गई ये क्या कह रहा है कहीं इसे पता तो नहीं कि मैं बोल सकती हूँ बस मुझसे उगलवाने के लिए बन रहा हो हादसा हुआ था या किसी ट्रॉमा की वजह से बोल नहीं सकती तुम वो क्यों उसके जख्मों को छेड़ रहा था ये बात जरूर आज ही करनी थी उसने क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये ट्रॉमा वाला सीन लग रहा है तुम बोल सकती हो मगर बोल नहीं सकती ऐसा एकदम बोलते बोलते उसे भी कोई बात याद आई थी और वो एकदम चुप हो गया था चेहरा उस बात को सोचकर अजीब सा हो गया था खैर देखते हैं तो मैं क्या कह रहा था तुम क्या नहीं कह रहे थे प्लीज मैं सोना चाहती हूँ जाओ तुम यहां से रिमशा उसे समझा कर बैठ के दूसरे साइड पे होती कंबल उठाकर लेट गई सिकंदर ने उसे देखा तो गहरा सांस लेकर उठ गया और उसकी तरफ आकर कंबल अच्छी तरह दुरुस्त किया रिमशा ने कंबल झटक कर अपने मुंह तक तान लिया मैं यहां ना सो जाऊं उसके शरारत से कहने पर रिमशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझूँ जब उसने इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सिकंदर हंसकर हंस कर झुक कर उसका सर चूम कर लाइट ऑफ करके बाहर चला गया वाओ ये तो बहुत प्यारा है उफ उफ सारी लड़कियों ने जालिश हो जाना है फाखरा माई ये रंग तो तस्वीर से भी ज़्यादा खिला हुआ है वक्त लहंगे को पकड़े अपने आईने को अपने आप को आईने में देखती तो कभी मुस्कुरा रही थी कभी घूमकर अपने आप को देख रही थी तो कभी शर्म से आंखें झुकाकर खुद को देखती उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कैसे रद्द अमल दिखाए हमारी वक्त है ही सोहनी उस पर तो आम से कपड़े भी ऐसे जचते हैं जिस तरह ये महंगे मूँगे कपड़े चार चांद लगा रहे हैं वैसे पुत्र सिकंदर बच्चे का खर्चा करने की क्या जरूरत थी मैं ऐसा बिल्कुल डिट्टो बना बनवा देती वो बख्त के कपड़ों को इस्तरी करते हुए उसे देखकर बड़ी नरमी से बोली बख्त ने उनकी बात पे बेसाख्ता आंखें घुमाई डिट्टो तो बना लेती माई मगर हाथों की सफाई जो इस काम में हुई है ना उसमें मार खा जाती आप ऊपर से आपने मेरा ब्लाउज़ खुला कर देना था दुपट्टे को नेट की बजाय शफ़ोन का कर देना था कि नेट में गर्मी ज़्यादा लगेगी ना बाबा ना आजमा के देख चुकी हूँ जो बात असली में है वो कॉपी में नहीं है अल्लाह ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है कहीं मुझे नज़र न लग जाए दुपट्टे तो को अपने पूरे में लपेट कर अपने आप से बोलते उसे अचानक रिमशा का ख्याल आया उसे सोचकर उसने फ़ौरन सर पे हाथ मारा लो अपने पार्सल की खुशी में तो आज आप ही को भी भूल गई मैं वैसे अजीब बात है बारह बज रहे हैं और वो अभी तक मेरे कमरे में नहीं आई कहीं फिर से मुँह सर बांध के कमरे में लेट कर मामा से बाइकआउट ना कर रही हूँ यार नॉट अगेन मैं भी इतनी मासूम सी लड़की से क्या करवा रही हूँ फाखरा माई कहीं वो बेचारी एक दिन भाग ही ना जाए पुत्र एक बात कहूँ फाखरा माई ने इस स्टैंड पे रखते हुए उसे संजीदगी से देखा जिस पर वक्त ने गर्दन उनकी तरफ मोड़ कर सर अस्पात में हिलाया तुम्हारे मामा ने ठीक नहीं किया मुझे समझ नहीं आती वो ऐसा नहीं था बल्कि इस तरह के काम करने वाले लोगों से नफरत करता था तो ये इतनी बड़ी खता जिसे वो समझता था कैसे सरजद हो गई और वो उस पर कहीं से भी शर्मिंदा नहीं दिखाई दे रहा मामा ने गलती की है माई मगर ब्रैकेट लहंगे को डब्बे में रखते बिस्तर पे बैठकर कर अपनी पोनी खोलते हुए फिर से बार बांधते हुए बोली उन्होंने उस गलती को गुनाह में तब्दील होने नहीं दिया वो मानते हैं उन्होंने सही नहीं किया मगर वो बेबस हो गए थे मेरे सामने तो क्या अपने आप के सामने भी नहीं मानेंगे कि उन्हें रिमशा से इश्क हो गया है वो कहते रहेंगे उन्हें वो अच्छी लगती है दिल को भाती है कभी कभी बुरी लगती है मगर उसे छोड़ नहीं सकते किसी को मामा किडनैप नहीं कर सकते और जिसको किया है वो उनकी पहली और आखिरी वारदात थी और वो उनकी पसंद नहीं थी वो उनकी बेबसी वख्त ये तू ही है ना तोपा इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती है मेरे दिल में हॉल उठते हैं ना किया कर पुत्र ऐसी बातें फाकरा माई को झुरझुरी आई तोपा माई आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं मरने मराने की बात की हो एनी वेज मैं चली ये आप ही को दिखाने आप अब बस करें पूरे साल के कपड़े इस्ते करेंगी क्या या अल्लाह इस लड़की को कम बोलने की तोफीक दे कुछ भी बोलती है फजूल बोलती है वक्त मजे से मुस्कुराते बाहर की तरफ निकल पड़ी वो लोग माल देने से इनकार कर रहे हैं भा मैंने उन्हें समझाया कि डील करने से पहले भा ने कहा था कि हज़ार दफ़ा सोच लो अगर एक दफ़ा ये डील साइन हो गई तो पीछे हटने के रास्ते बंद हो जाएंगे मगर तुम लोग फौरन मान गए थे और अब अब क्यों अपनी जान जानसूली पे लटकाना चाहते हो सिकंदर घोड़े की पुश्त पे हाथ फेर कर उसकी बात पे मुड़ा था और अपने दोनों बाजू पुश्त पे ले जाकर मुस्कुराया था बेचारों को मौत से ज्यादा इज्जत खराब हो जाने का खौफ आ गया है सेठ साहब उन्हें पता है कि मैं उन्हें मार सकता हूं मगर उनकी इज्जत में जरा सी आंच नहीं आने दूंगा आपको तो पता है कि मैं किल एंड रिस्पेक्ट पे कितना यकीन रखता हूँ वो कहते हैं ना देख मगर प्यार से मगर मैं कहता हूँ मार मगर इज्जत से मजे से बोलते हुए साथ ही उसने कह कहा लगाया और काले घोड़े को देख कर उसकी बुश थपकते हुए बोला हमें ये पसंद आया हमने तोहफा कबूल किया आपका क्या लहजा था वाकई उसे लोग सिकंदर आज़म कहते थे तो गलत नहीं कहते थे मैं मान नहीं सकता भा मौत के आगे तो कोई चीज़ अहम नहीं होती सेठ नफी में सर हिलाते हुए कहकर अपनी गनी मुछों पे हाथ फेरने लगा फिर अपनी खुश्क लबों पे जबान फेरता वो सिकंदर को देखने लगा जो मुस्कुराए जा रहा था वो तो मुस्कुरा क्यों रहा था सेठ मेरे भाई माँ बहन भी हाँ सेठ मेरे भाई माँ बहन भी कोई नाम की चीज़ होती है दी होगी किसी माँ की लाल ने उन्हें उन्हीं की धमकी उन्होंने कहा भा ने तो मार देना है मगर उन्होंने जलील करके मारना है उन्होंने सिर्फ मरने को तरजीह दी फिर आप क्या करेंगे मैं क्या करूँगा सोचने वाली बात है उसने अपनी दाढ़ी पे हाथ बैठते हुए थोड़ा सा रुक कर कहा मैं कुछ नहीं करूँगा अच्छी सी चाय पीऊँगा यार सेठ जब से आया हूँ कुछ पूछा नहीं तुमने उसके बाद सेठ जुनेद को बौखला कर रख गई भा आते साथ ही पूछा था उसकी बात पे सिकंदर ने हाथ उठा लिया बस घबराओ नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा आपकी बात पर सेठ पुरसकून हो गया था जी आए भा वो उसके साथ चलने लगा कि उसकी जेब में मौजूद फ़ोन बस होने लगा सिकंदर ने फ़ोन जेब से निकाल कर देखा तो खुल कर मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया कैसे हैं भाई साहब गुजार ली छुट्टियाँ वापसी का कोई इरादा भी है कि नहीं अपनी ये बदतमीज़ियाँ कम करें आप और काम पे आएं मैं इन छोटी मोटी मीटिंग से तंग आ गया हूँ तुम आओ यार हाँ हाँ कर लेना अब आओ जल्दी तुम्हें किसी से मिलवाना है अबे नहीं अब बहस मत करो फौरन टिकट बुक करवाओ और यहाँ पहुँचो ओके अल्लाह हाफिज एकदम वो जाने लगा जब उसके खयाल ने उसके कदम रोक दिए कुछ सोच कर उसने घर फोन में लाया हेलो भा बोल रहा हूँ बेगम साहिबा कमरे में हैं बाहर लॉन में क्या कर रही है एकदम उसके माथे पे उसकी बात पे बल आए नहीं उसे उठाओ मत बैठी रहे एक काम करो उस तरफ किसी बंदे को आने मत देना मैं बता रहा हूँ जावेद वो डिस्टर्ब ना हो खाने का पूछो तबीयत ठीक नहीं है उसकी पौन स्टोन वगैरह देना लगी थी उसके पैरों में शाम तक आऊँगा अल्लाह हाफिज लो पूरा घर छान मारा और आप यहाँ बैठे हैं हाय अल्लाह आपके पैरों को क्या हुआ है रिमशा सोच में गुम एकदम उसकी बात पे गर्दन मोड़ कर देखने लगी जो तेज़ी से डब्बा सामने टेबल पर रख कर उसके पैर की तरफ झुकी हुई थी जहाँ अभी तक पट्टी लगी हुई थी आपको लगी कैसे गॉड अगर मामा को पता चलना है तो सबके साथ साथ मेरी शामद भी आएगी उसी की वजह से तो सब हुआ है वो क्या किसी की शामद दिलाएगा आंखें मखसूस अंदाज में घुमाते हुए वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उठाया और उसके गाल को प्यार से छू कर उसे अपने साथ बैठने का कहा बताने का मकसद था वो बिल्कुल ठीक है कैसे लगी बताएं मुझे आपने जिस तरह कपड़ा बांधा है लगता है बहुत गहरी चोट आई है नहीं लगी चोट चंदा रिलैक्स निम्शा ने उसके हाथों को होले से थपक कर इशारा किया कि वो ठीक है फिर ऐसे ही शोकिया बांधा है क्या दूध लाऊं आपके लिए मेडिसिन वगैरह आप तो किसी को कह भी नहीं सकती देखना अभी सब की मैं शामत लाती हूँ मैम आपके लिए मेडिसिन सर ने कहा कुछ खाकर मेडिसिन ले लें एकदम जावेद की आमद पर वक्त की बात अधूरी रह गई जावेद भाई कहाँ थे आप और मुझे बताएं ये आप ही को कैसे पे लगी आप सब गायब धमाके में घर में घूमते रहते हैं खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो जाता फिर हमारा क्या होता सर यानी मामा को पता है कि इन्हें लगी है कहाँ है जरा ये आराम से बाहर घूम रहे हैं और इन्हें आप ही का ख्याल नहीं निकाह पड़ी थी बस वह हो गया आपको ये परवाह नहीं कपकी से कहते हुए उसने उठकर छोटी सी ट्रे जावेद से ली रिमशा को मुसरत अमेज उदासी ने आ घेरा हाय ये सिर्फ जूस का ग्लास और दवाई ले आई आप जरा जूस पिए दवाई को हाथ मत लगाइएगा मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ रिमशा सर नफे में हिलाकर उसका हाथ पकड़ कर रोकने लगी कि वक्त उसको नजरअंदाज करती तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी जावेद ज्यादा देर रिमशा के पास खड़ा हो नहीं सकता था उसे भी रिमशा के इर्द गिर्द मौजूद होने की इजाजत नहीं थी ब्रैकेट यू you नो know, नोजेसिव फ्री हजबेंड खामोशी से मुड़ गया और रिमशा ने जूस को देखा और फिर पिर्च में मौजूद गोली को रिमशा कोई बहस नहीं चलो शाबाश जल्दी से दूध पियो तुम फुल एंटरटेनमेंट पैकेज हो स्वीट हार्ट गिरचै का तुम्हें देख के मुझे एक गाना मेरे जहन में आया है पिछले रात के गुजरते हुए वाकयात बार बार आंखों और कानों को बिल्कुल उसके वजूद की तरह तंग कर रहे थे वो इस वक्त घर में मौजूद ना होते हुए भी मौजूद था एक अजीब सी बेकुली उसके दिल में पैदा होती जा रही थी जो सिकंदर से चिड़ना चाहती थी उससे नफरत करना चाहती थी मगर जो दिल की एक एक धड़कन उसके नाम पे धड़कती थी उसे कैसे समझाती वो बहुत ज़िद्दी था इतना कि सिकंदर का ही रिश्तेदार मालूम हो रहा था वो अच्छा था और बुरा भी उसे जेंटल मैन बोला जाए तो गलत ना होगा जेंटल तरीके से सब अपने मतलब के काम कर लेता था जायज़ भी और नाजायज़ भी उसकी बुराई से ज़्यादा रिमशा को उसकी अच्छाई तपा रही थी वो इतना अच्छा क्यों है उसके साथ फिर उसी पल वो इतना बुरा क्यों है उसके साथ उसी को सोचते सोचते न जाने कितने पल बीत गए थे कि किसी ने चुटकी बजाई रिमशा ने देखा सिकंदर काली शलवार कमीज में मलबूस आँखों में सन ग्लासेस लगाए बियर्ड में बहुत हैंडसम लग रहा था दमाग में इस वक्त यही अल्फाज सूझे थे उसे क्या हुआ इतनी मोहब्बत से क्यों देख रही हो मुझे गलत फहमी में मुबतला करती हैं ये आंखें लड़की जल्द बजात दिया करो वरना एक दिन इन निकाहों ने बुरी तरह घायल करके मार देना है अल्लाह ना करे मुंह से बेसाख्ता निकला था मगर शायद सिकंदर को सुनाई नहीं दिया था वो उसे देखता रहा फिर घुटने के बल बैठता उसका हाथ थामने लगा आंखों से चश्मा उसने नहीं उतारा था एक बात मानो कि मेरी उसकी अंगूठी वाले हाथ को अपने हाथों में लेते वो बेहद संजीदगी से बोला था रिमशा को उसकी आंखों की गर्मी महसूस करनी थी उसकी नज़रें खुद पे महसूस करनी थी हाथ बार बार उस चश्मे की दीवार को हटाने के लिए बेताब थे मगर वह सिवाय सर झुकाने के कुछ कर नहीं सकी हाथ उसकी गिरफ्त से निकालने की थोड़ी सी कोशिश की थी फिर अचानक ही हिम्मत हार कर उसके कुछ कहने के मुंतजिर बैठी थी बोलती नहीं हो तो पागल करती हो बोलोगी तो क्या करोगी अक्सर ये सोचता हूँ उसके गंभीर लहजे पे वो ब्लश कर गई ब्रैकेट बेचारी को खुद नहीं पता था वो पूरी लाल हो चुकी है आंखें झुकी हुई थी मगर वो उसे अपने बिल्कुल करीब महसूस कर रही थी अब तो दिल हद से बेकाबू होता जा रहा था क्या करेगा ज़्यादा करीब आएगा तो थप्पड़ लगा देगी अब ज़्यादा भी फ्री नहीं करना भाई अपने उन खूबसूरत होटलों को ज़रा से जुम्बेश देकर मेरा नाम पुकारने की कोशिश करो छोटी सी आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी करोगी ना वो उसके कानों में सरगोशी करता बोला उसके इस बात पर रिमशा अपना हाथ छुड़ा कर एक थप्पड़ जोर से लगा देती मगर आखिरी ख्वाहिश पर उसका दिल कांप गया आखिरी ख्वाहिश ये क्या कह रहा है रिमशा ने अपनी अब की बार सर उठाया था और उसे देखा था जो बिल्कुल संजीदगी से उसी की तरफ देख रहा था उसने चश्मा अभी भी पहना था मगर उसे पता चल गया था कि वो कित नज़रों से उसे तक रहा था सिकंदर उसके तासुरात भाँप गया चेहरे पे धीमी मुस्कुराहट लाते उंगली से उसके होठों को छुआ फिर गाल फिर आंखें लगता है तुम्हारी आवाज का दीदार नहीं कर सकूंगा उसके दिल ने कहा क्यों नहीं कर सकोगे कहाँ जा रहे हो चाहता हूं जाने से पहले तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन लो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए ये क्या कह रहा था इतनी सी बात वो बोले तो हजार दफा हर एक बीट पे उसका नाम लेगी मगर थोड़े अरसे के लिए सजा का तो हकदार था ना वो इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार गया था रिमशा से रहा नहीं गया उसने सिकंदर का हाथ थाम लिया बाव मैडम आपके पास होता हूँ तो भागती हैं अब जा रहा हूँ तुमसे दूर तो हाथ पकड़ लिया उसकी बहकी बहकी बातों से रिमशा का सर चकरा रहा था किधर जा रहे हो ब्रैकेट निगाहों ने कहा तुमसे बहुत दूर तुम्हारे लिए इस दुनिया को छोड़ने को तैयार हूं मगर अब तो तुम्हारे भले के लिए जा भी रहा हूं सिकंदर एकदम चीखते हुए उसकी आंख खुली और वह तेजी से बिस्तर से उठी लंबी लंबी सांस लेकर उसने अपने पसीने से भरे हाथ से अपना सर थामा उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था धड़क कहाँ रहा था बल्कि काँप रहा था सिकंदर सिकंदर कहाँ है कहीं वो वाकई तो नहीं चला गया एक मिनट अभी तो वो लॉन की चेयर पर बैठी हुई थी बिस्तर पर कैसे आ गई अभी तो सिकंदर आया था अच्छा भला छेड़ रहा था उसे फिर मौत की बातें छेड़ने की बातें दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था और उसे देख कर सुकून भरा सांस लेता बोला थैंक गॉड मेरी तो जान निकल गई थी स्वीट हार्ट तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी ठीक हो वो अपनी खौफ में गुम थी कि किसी के परेशानी ज़दा अल्फाज और दो मजबूत बाजुओं ने उसे अपने हल्के में लेते हुए भी उसके खौफ और सकत को ना तोड़ सका रिमशा ठीक हो तुम्हारा जिस्म क्यों ठंडा लग रहा है इधर देखो मेरी तरफ मगर वो देख नहीं रही थी आंखों में बार बार उसका मुर्दा जिस्म आ रहा था हालांकि खाप में नहीं आया था शायद खाब हाँ था या हकीकत पता नहीं क्या था मगर अब आ रहा था आंखों के सामने हर तरफ फूलों के पत्ते अगरबत्तियाँ तस्वीर के दानों को छूते हजारों हाथ सफ़ेद कफन बेरंग कपड़े फिर जो उसकी चीखें निकली के कोई हद नहीं चीख के अलावा तो जबान ने बाकी लफ्ज़ तोड़ के रख दिए थे वो बस सिकंदर के सीने में मुंह दिए फूट फूट के रोना शुरू हो गई थी सिकंदर एकदम उसकी इस हालत पे परेशान हो गया रिमशा मेरी तरफ देखो यार क्या हुआ है इधर मेरी तरफ आंखें उठाओ क्या हुआ है दर्द तो रहा है पाँव में या जबान का है बताओ तो सही हुआ क्या है एक तो सर नहीं उठा रही ब्रैकेट वो उसका सर उठा रहा था मगर उसने कसम खाई हुई थी उसके सीने से एक इंच भी नहीं हटेगी रिमशा बेबी गर्ल बताओ यार किसी ने तंग किया है बताओ मुझे सबको आग लगा दूंगा छोड़ूंगा नहीं आई प्रॉमिस अच्छा चुप तो हो जाओ फाखरा माई जावेद एक एक को धाड़ कर पुकारने लगा और उसके दाड़ पर रिमशा का रोता मचलता वजूद साकित हो गया वो जिंदा है उसका सिकंदर जिंदा मगर वो तो चला गया था बिना अपनी ज्यादियों की माफ़ी मांगे वो मगरूर सा शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया था उसका सर बुरी तरह दुख रहा था वो एक बार फिर रोना शुरू हो गई थी अम्मी अब्बू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे ऐना हदात मामू शिजा नानू, कोई भी तो नहीं था तो ये कौन था जो उसे रोने के लिए अपना सीना फ्राहम कर रहा था अम्मी अबू मेरे पास आ जाएं प्लीज़ क्यों मुझे भूल गए हैं प्लीज आ जाएं उसका दिल सिसक रहा था वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी क्या हुआ है क्यों रो रही है ये मुझे इस कि बेहोशगी की, की इतला देकर कहाँ सब दफा हो गए थे कोई आम बंदी नहीं है बीवी है ये मेरी मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते और बताओ एकदम से क्यों बेहोश होगी ठीक ठाक थी और जावेद तुम तो तसली दे रहे थे सर आपने मगर सिकंदर ने दुरुस्तगी से उसकी बात काटी ख़ामोश मुझे वजह बताओ इसको किसी ने कुछ कहा तो नहीं अगर झूठ किसी ने बोला तो सर काट के कचरे में फेंक दूंगा तो पता नहीं सर मैंने देखा वो कुर्सी पे लुढ़क मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए ये सब सुन चुका हूँ मुझे बताओ कोई आया था क्या इसके पास अब की बार वो चीखा था उसके चीखने से रिमशा डर कर चुप हो गई थी सिकंदर पुत्र कसम से वक्त भी साथ थी इनके ठीक ठाक चंगी थी अचानक चेहरा सफ़ेद हो गया उनका फिर आपको फौरन कॉल की अगर ऐसी बात होती तो कसम से मेरा रब गवाह है हम सब झूठ ना बोलते सिकंदर खामोशी से उनकी बात सुनकर रिमशा के बाल सहलाने लगा जो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी ठीक है माई जाए रिमशा के खाने के लिए कुछ लाएं और तुम दोनों दफा हो जाओ यहां से ना डॉक्टर को बुलाया ना इसका ध्यान रखवाया किसी काम के नहीं हो तुम लोग निकल जाओ इस वक्त फाखड़ा माई से नरमी से बात करके उसने जावेद और जहैेर को सख्त सुनाई वो तो जैसे मुंतजिर थे कि वह उन्हें दफ़ा होने का संदेशा दे जो कि मिल चुका था और वो गाइब पाकरा मईसर हिलाकर चल पड़ी थी सिकंदर ने उसे देखा फिर उसे उठाकर अपनी एक टांग पर बिठाकर उसके उसकी पुश्त पे हल्की सी थपकी दी वाइफी ऑल गुड अब सर उठाओ और मुझे बताओ क्या मम्मी पापा याद आ रहे हैं रिमशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया वो बार बार उसकी खुशबू महसूस करके अपने दिल को समझा रही थी कि वो उसके पास है सही सलामत उसे तसल्लियाँ दे रहा है उसकी पुश्त थपक रहा है उसकी तेज़ होती गुस्से से भरपूर धड़कन को भी वो महसूस कर सकती थी वो ठीक है जिंदा है और उसके पास है बुरा है तो क्या हुआ वो उसका है और उसी का रहेगा उसने उसी सिकंदर से मोहब्बत की थी उसी सिकंदर से नफरत करने का सवाल पैदा नहीं होता वो उसकी दुआओं के ज़रिए उसे मिला उसे रोना पीटना नहीं चाहिए जो हुआ उसी की वजह से हुआ है ब्रैकेट महबूब के मौत के खौफ ने कैसे सोच पल में बदली थी वो हार गई थी उसे समझ नहीं आई इतनी जल्दी वो कैसे हार सकती थी चंद हफ्तों में हार गई मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलवाने ले कर जाऊंगा बट एवर इट टेक्स अब तो सर उठाओ उसके बाद परिमशा एकदम साकित हो गई ये क्या कह रहा था ये सिकंदर ही है ना अब की बार उससे अलग होते हुए उसने सिकंदर को देखा था जिसका चेहरे पे सुकून की लहर छाई थी कितनी मतलबी हो अपनी मतलब की बात पे कैसे अपना सर उठा लिया और मेरे बार बार कहने पर डटी रही क्या हालत बना ली है तुमने अपनी उसने उसकी सूजी हुई आँखों को छुआ मेरे साथ से मैं समझता था तुम गुलाब की तरह खिल जाओगी मगर तुम ब्रैकेट सिकंदर मायूस नज़र आने लगा ये लड़की उसके जज्बात को बेनकाब कर रही थी बहुत ख़तरनाक थी ये लड़की हिमशा उसे बेयकनी से जैसे देख रही थी उसने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था यह शख्स उससे मोहब्बत करेगा ख्वाब में वो उससे इजहार करने का तस्वर नहीं कर सकती थी तो हकीकत तो बहुत दूर की बात है खैर मैंने वादा किया है अब मैं अपने वादे से नहीं हटूँगा मैं बहुत जल्द लेकर जाऊँगा ये क्या कह रहा है वो सोच कर रह गई वो उसको देख रही थी जो कि उसके बहुत करीब हो चुका था इतना करीब रिमशा को उसके सीने पे अपना हाथ रखना पड़ा कि वो उसे पीछे धकेल सके मगर न दिल पे उसका हाथ गया जहाँ उसकी भी उसी की तरह हार्ट बीट तेज थी तुम तो मुझसे क्या क्या करवाती हो ब्रैकेट वो हंसा था तुम बाहर कुर्सी पर बेहोश हो गई थी तुम्हें उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई सब मुझे कॉल कर रहे थे डरे ऐसे हुए थे कि मैं उन सब को जला डालूँगा वाकई ऐसे ही कर देना था अगर तुम्हें कुछ हो जाता बख्त ने एक बात बताई थी मुझे ये हीरोइन पहले बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिल्कुल स्ट्रोंग होती हैं अचानक उनकी ज़िंदगी में हीरो आता है तो बिल्कुल नाजुक सी हो जाती हैं बार बार बेहोश होती हैं बार बार उनको कुछ होता है मुझे तो समझ नहीं आती ये जानबूझकर कर हीरो को तंग करने के लिए ऐसा करती हैं या हीरो इतने ड्राइकोला होते हैं उनका खून चूस कर उन्हें कमज़ोर कर देते हैं अब मैं तुम्हें दोबारा ऐसे ना देखूँ नहीं तो सचमुच मारने लग जाना है मैंने ब्रैकेट बोलते बोलते वो उसके और करीब हो गया यहां तक कि उन दोनों की नाक आपस में होले से टकराई थी वो मजीद करीब होने लगा कि बख्त की आवाज पे एक दम रिमशा पीछे हुई थी सिकंदर मुस्कुराया था बख्त तुम्हें भी अभी आना था आहिस्तगी से बुड़बुड़ाते हुए वो भी काफी हद तक रिमशा से फास्ते पे होकर बैठ गया बख्त अंदर दाखिल हुई थी मुझे अभी बताया फाखरा माई कि आपको होश आ गया थैंक गॉड क्या हुआ था आपको आप दिन ब दिन कमज़ोर होती दि जा रही हैं मामा उठे चेकअप करवाना पड़ेगा तुम्हारी तो मुझे खबर लेनी चाहिए जब ये बेहोश हुई तो तुम क्यों गायब थी ऊपर से तुमने जावेद की बजाय नज़ीर को कहा कि इसे उठाओ हाँ बेचारे का मुंह सूजा हुआ था यार आप आपको तो पता है ना आपको उठाने में नज़ीर भाई ने मदद की वो भी मेरे जोर देने पर बेचारे को मामा ने इतना मारा मामा अब जाए उनके पास सॉरी करें सिकंदर ने सर झटका मामा उन्होंने आप ही की मदद की थी इतने बेहिस मत बने ही टस्ट हर वक्त आई कांट टेक दिस रिमशा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था जो उसे नहीं वक्त को देख रहा था ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है आपको सिकंदर है सिकंदर बन के रहें हीरो नहीं बन रहा मैं ब्रैकेट माते बेबल लाते हुए उसने गला खंखारते हुए तेजी से कहा बहरहाल ज्यादा नहीं मारा ऐसे छोटी मोटी मार खाते रहते हैं आदि हैं वो सब बिल्कुल खैर छोड़ो इन्हें ये तो हो गए हैं हैं साइको मामा फौरन फौरन गाड़ी निकालें को लेकर चलते कहीं हाँ, ताकि मैं पकड़ा जाऊं और इन मोहतरमा को ले जाएं ये लोग बहुत अच्छी बात कही तुमने सिकंदर के तेज दहजे पर रिमशा ने उसे घूर कर देखा फिर संभल कर अपना दुपट्टा उठाते हुए वक्त से कुछ पूछा जिसकी वक्त को समझ नहीं आई अलबत्ता सिकंदर समझ गया क्या आपने मुक्का मारना है किसी को मामा को मेरी तरफ से इजाजत है आप लगाइए इन्हें कैसे आपके साथ साथ सबको तंग करते हैं खामोशी से बैठी रहो मोहतरमा अगर प्यार से बात की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैडम ट्रीसा बने मामा दैट्स रूड रिमशा आंखें घुमाते हुए दूसरी तरफ बिस्तर से उठी सिकंदर तेजी से उठा आप ही कहाँ जा रही हैं जा रही है उसके पास जिसकी मैं अभी किच लगा कर आया हूँ क्यों आप ही रास्ते से हटिए सिकंदर रिमशा ने इशारे से सिकंदर को कहा मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ नहीं आ रही इस वक्त आराम करें आप सिकंदर उसके रास्ते में हायल हो गया रिमशा दूसरी तरफ होने लगी सिकंदर फिर उसकी राम में आ गया सिकंदर को साइड पे करते हुए वो जाने लगी कि सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ लिया अच्छे बच्चों की तरह बैठो यहीं मैं नहीं जाने दूंगा उसके पास मैं जाऊंगी छोड़े मेरा हाथ बल्कि आप भी चलें उसने सिकंदर का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीट कर बाहर की तरफ लेकर चलने लगी अरे मुझे ये लोग तो भूल ही गए मेरी बात सुनो कि रोने के ड्रामे से फायदा मत उठाओ मैं बहुत गुस्सीला बंदा हूं बहुत नई बात है मुझे अभी पता चला उसने आंखें उससे फेरते हुए सोचा सीढ़ियों से उतर कर उसे जावेद नजर आया जावेद जाओ यहां से सिकंदर की ऊंची आवाज़ पर जावेद ने सर घुमा कर देखा जहां रिमशा सिकंदर का हाथ पकड़े नीचे आ रही थी उसकी बात पर रिमशा ने सर नफ़ी में जोर से हिलाया और दूसरे हाथ से उसे रुकने का कहा मैंने कहा ना जाओ रिमशा सिकंदर का हाथ छोड़कर तेजी से उतर कर उसकी तरफ आई इससे पहले सिकंदर उसे पकड़ता वो उस तक पहुंच गई जावेद तो हैरान परेशान हो गया कि हुआ क्या है वो सिकंदर ने जिसको मारा था वो कहाँ है सॉरी मैम उसे उसकी बात समझ नहीं आई रिमशा ने चिड़ कर उसे एक बार फिर समझाया कुछ नहीं कह रही तुम जाओ जावेद भाई नजीर भाई का पूछ रही हैं आप ही आप इन्हें बता दें और मामा को बिल्कुल इग्नोर कर दें इस घर की मालकिन ये डरना है तो आप ही से डरें पख्तावर तुम तो मेरी भांजी हो या इसकी अपना मुंह खोलना जरूरी है सिकंदर घूम कर उसे देख कर गुस्से से बोला जो रेलिंग की तरफ झुकी मजे से शरारती नजरों से तकते बोली मामा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही जरा जोर से बोले ऊपर आऊं मैं धमकी देता वो मुड़ा था तो रिमशा गायब ये कहाँ गए हाँ हाँ फोर्स भेजो डी पहुंच जाएंगे मैं ज़रा अदालत जा रहा हूं एक केस का मसला हुआ है तब तक काम हो जाना चाहिए मैं सीधा वहां आ जाऊंगा अगर जल्दी फारिक हो गया ठीक है बिस्मिल्लाह करो खुदा हाफिज फ़ोन रख कर हनान मुड़ा था कि सामने हदाद खड़ा उसे देख कर आहिस्तगी से चलता हुआ आया अरे भाई आप उठ गए आज तो आप काफ़ी देर से उठे तबीयत तो ठीक है आपकी हाँ ठीक हूँ रिमशा की कोई ख़बर दो हफ्ते हो गए हैं अब तक कोई ख़बर मिलनी चाहिए थी अगर नहीं तो पढ़ लें अपनी बच्ची पे फातिहा। ब्रैकेट वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे अल्लाह न करे भाई कैसी बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही सलामत है वो एकदम बोलते हुए गड़बड़ा गया फिर संभल कर उसकी नजरों को नज़रअंदाज़ करके बोला अल्लाह पे भरोसा रखें उस पर छोड़ा है मैंने मुझे दिल में तसली है कि वह बिल्कुल ठीक है खैर छोड़ें ये आपके हाथ में क्या हुआ है उसके हाथों पे अचानक उसका ध्यान गया था जहाँ छोटी उंगली और शहादत की उंगली के दरमियान चोट लगी हुई थी हतात ने अपने हाथों को देखा तो एकदम हाथ पीछे कमर पे ले गया बस ऐसे ही दरवाजे से लग गई थी मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए हनान को ऐसे लगा जैसे उन्होंने बात बदली है क्यों नहीं आपकी गाड़ी है लेकिन आपने जाना कहाँ है मैं ड्रॉप कर दूँ नहीं बस एक दोस्त से मुलाकात करनी है फिर भैया के पास जाना है एकदम वो चौंक पड़ा अंकल के पास आप नाराज़ आदात ने उसकी बात का नहीं कुछ जरूरी बात करनी है ऐना का कल मैसेज आया था आप की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और सुना है कि वह कराची वापस चली गई हैं हाँ कल ही गई हैं कुछ उधर पता करवाने गए हैं रऊफ अंकल कि शायद वहां से कुछ पता चले लाहौर में तो कोई दुश्मन है ही नहीं सब रिकॉर्ड चेक कर चुके हैं अब दुआ करें कोई आसरा मिले चाबी आए मैं आपको छोड़ देता हूँ अभी कोर्ट के लिए निकलना है एक केस फंसा हुआ है किसी जानने वाले का उधर सामने ही अंकल का पुलिस स्टेशन है आप तैयार हो जाए अभी यूनिफॉर्म पहन कर आया इतना कहकर वह मुड़ गया जबकि हादत ने उसे मशकूक नज़रों से देखा था उसे जैसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था दिल में पलते अंदेशों को बार बार झटकने की कोशिश कर रहा था मगर दमा कह रहा था कि यह इतना पुरसकून क्यों है हारिम शाह जो कुछ लगती भी नहीं है उसकी हमारा तो खून है वो पता नहीं किस हालत में होगी मैं कान नहीं पकड़ूंगा और सॉरी भी नहीं कहूंगा वो गुस्से से उसे देखते हुए तेज लहजे में बोला जो उसे नज़ीर से सॉरी करने का कह रही थी जो डरा सहमा एक तरफ रिमशा से कोसों दूर खड़ा था और बार बार यही कह रहा था भाका समझे लें ये खुद आई हैं भा मैंने कुछ नहीं किया वो पच्चीस साल का आदमी इस वक्त सिकंदर के सामने बच्चा मालूम हो रहा था रिमशा ने अपनी तरफ से माफी मांग उसकी खैरियत पूछी थी बेचारे को तो उसकी बात समझ नहीं आई ब्रैकेट सिकंदर भाग का डर चोहा भी था किस बात की सॉरी रोजाना मेरे से ऐसी चपेट पड़ जाती है इनको और सारे ड्रामे कर रही हैं दो मुक्कों और तीन लातों के अलावा कुछ नहीं कहा मैंने इसे रिमशा ने आंखें दिखाई ब्रैकेट कुछ नहीं किया ऐसे कह रहा है जैसे वाकई कुछ नहीं किया आया वडा मासूम हो गया तुम्हारा माफीनामा अब चलो उसने रिमशा का हाथ पकड़ना चाहा उसने तेजी से सरनफी में हिलाते हुए उसे बावर करवाया कि वो यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक सिकंदर सॉरी नहीं करेगा देख रहे हो तुम सब मुझे इससे माफी मांगने का कह रही है क्या मैं माफी मांगू उसने सख्त नजरों से नजीर को देखा न, नहीं तोबा भा आप तो हमारे बाप हैं। आप हमसे माफी मांगे हम तो आपकी जूती के बराबर हैं। रिमशा ने गुस्से से सिकंदर को देखा फिर उस डर पर को सुन लिया तुमने जब ये खुद नहीं चाहते तो फिर इतना पागल होने का फायदा सब बराबर है कोई किसी का ना माई बाप है ना शाप माफी मांगे रिमशा ने उसे इशारे से बताया सिकंदर ने दांत पीसते हुए उसके अंदाज़ को देखा फिर हाथों को जोर से मारते हुए हाथ जोड़े ये लो अब खुश अब चले मालकिन माफ़ी ऐसे मांगी है जैसे एहसान किया हो रिमशा ने दिल में कहते हुए उसे समझाया तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इनसे डरने की किसी को भी इनसे प्रॉब्लम हो मेरे पास आए बेचारी कोशिश तो कर आई थी अपनी बात समझा और तसली दे सके मगर सिकंदर के अलावा किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा था हो गया आपका भाषण चले रिमशा उसे घूर कर यहाँ से चल पड़ी वो सबको देखने लगा तो सर झुका कर उसकी झाड़ सुनने के मुंतजर थे जब कह रहा था मत उसकी बात सुनो तो बहरे हो गए थे सब जावेद तुम से तो मैं बाद में निपटूंगा मेरी बकवास को तो तुमने बड़ी आसानी से इग्नोर किया है सर मैं मैडम को इनका सिकंदर ने उसकी बात काटी चुप वो बॉस है या मैं सर आप उसका नूज झुका हुआ सर था तुम लोग आज इस मुकाम पर हो तो मेरी वजह से उसकी वजह से नहीं आए बड़े मैडम को इंकार करने वाले इनकार ना करने वाले इतना कह कर वो चल पड़ा सर आपसे कोई मिलने आया है जमाल अजीम इस वक्त स्टेशन में मौजूद थे अपने ऑफिस में बैठे कोई फाइल चेक कर रहे थे जब अचानक कांस्टेबल रशीद के कहने पर उन्होंने ताजुब से उसे देखा ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मिलने वाले को जानते हो मगर मेरे सामने उसका नाम नहीं लेना चाहते एकदम रशीद बौखला गया वो सर असल में ना अरे यार शीदे तारुफ की ज़रूरत नहीं ये तो मेरा दूसरा घर है सलाम जमाली कैसा है मेरा यार बस जी बेचारे शीदे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया शान से नीली शलवार कमीज और ब्लैक बास्किट में हमेशा की तरह छाया हुआ अंदर दाखिल हुआ साथ में एक छोटा सा बॉक्स था जिसे पकड़े वो सामने वाली कुर्सी पे बड़े आराम से बैठकर कर खुलकर मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा जिनके माथे पे ला तादाद शिक्नों ने उसका इस्तकबाल किया ज़्यादा जल्दी अपने घर नहीं आके थोड़ा इंतज़ार कर लेते उम्र कैद वाला सीन था फिर वो हौले से हंसा था यार इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया मगर दुनियादारी भी कुछ होती है यार बड़े काम वाला बंदा हूँ मुझे अंदर कर दिया तो फिर इस मुल्क का क्या होगा दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच जाएगी बेटा इसमें हम सबका भला है मेरे अंदर जाने से ही तो तबाहियाँ होंगी खैर बातें होती रहेंगी और बताएं सुना है कि आपकी लाडली भांजी जी लापता हो गई बहुत अफसोस हुआ सुनकर कैसे हुआ सब वो अफसोस तो ऐसे कर रहा था जैसे इसमें तो उसका एक परसेंट भी हाथ नहीं था मासूमियत और संजीदगी तो कूट कूट कर भरी थी उसमें तमाशा करने आए हो जमाल अजीम के तासुरात सख्त हो गए अलबत्त लहजा सपाट था अबरू को ऊपर करते हुए वो बोला तमाशे वाला काम तो आप जैसे लोग करते हैं हम तो बस जी अपना काम करते हैं बहरहाल सच में मुझे अफसोस हुआ लड़की का मामला सुनकर अच्छा नहीं लगा ब्रैकेट उन्होंने ऐसे देखा सीरियसली ये तुम हो यानी सिकंदर भा मेरी भी भांजी है जो मुझे जान से प्यारी है उस पर हल्की सी आंच आ जाए तो तकलीफ होती है खैर उसके घर वालों का क्या ख्याल है कोई लड़की की हर खबर तुम्हें उससे क्या और बड़ी हमदर्दी नहीं हो रही उसके घर वालों से वाकई जमाली मुझे उससे क्या निकाह के दो बोल तीन साइन के अलावा हमारे दरमियान क्या है मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई है मुझे वाकई उससे क्या वैसे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि मेरे घर में तलाशी ली गई है मैं ऐसा दिखता हूँ यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ सिकंदर कोई काम था मुझसे या ऐसे बकवास करने आए हो उनके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था तो बेहतर यही समझा कि यहाँ उसके आने की वजह पूछ सकें ओह असल मकसद तो भूल गया जमाली यार तेरा यार शादी कर रहा है ये आज के आज कार्ड का सैंपल पसंद करके आया हूँ एक ले आया सोचा किसी अजीज को दूंगा सीधा जहन में तुम्हारा नाम आया तो सोचा यहीं पहुंच कर दे दूं चीफ गेस्ट है आप हमारे सारे फंक्शन में कुछ उम्र का लिहाज ही कर लो मगर मैं भी किससे कह रहा हूं बहरहाल मुबारक हो किस बेचारी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारकर तुम्हारे साथ नसीब फोड़ने का फैसला किया है अगर मैं कहूं तुम्हारी भांजी ने तो क्या कहोगे वो बड़ी ही संजीदगी से सच्चाई बयान करते हुए बोला जबान संभाल के बात करो वो दहाड़ा था और जोर से टेबल पे हाथ मारते हुए सख्ती से बोले सिकंदर ने डिफेंस के तौर पे अपने हाथ उठा लिए ओके टेक इट इज़ी ब्रदर मेरा ये मतलब था कि वो लड़की तुम्हारी भांजी जैसी हुई तुम तो पता नहीं क्या समझ लेते हो मेरा मकसद तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रखने का नहीं था वो एकदम सर झटक कर रह गई मेरी भांजी का तुम्हारे होने वाली बीवी से कोई मुकाबला नहीं है तुम जैसे हो तो जाहिर है तुम्हारी बीवी भी ऐसी ही होगी उनकी बात सुनकर सिकंदर के चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट फैली ये तो वक्त ही बताएगा कि मेरी बीवी कैसी है वैसे आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं उसने अधूरी बात छोड़कर उन्हें देखा जो मुस्कुरा कर बोले थे धमकी दे रहे हो धमकी बुजदिल लोग देते हैं मैं अमल करता हूँ बस अमल करने के लिए मौका चाहिए होता है ये आप पर है कि आप जल्द या बदेर करते हैं उसने उन्हें सख्त नज़रों से देखते हुए ये बात की फिर एक गहरा सांस लेकर बोला खैर चाय शाय का नहीं पूछेंगे तुम अंदर चलो बेटा चाय शाय के साथ अच्छा खाना भी खिलाएंगे वो तमस्कुराना मुस्कुराहट से बोले फ़िलहाल तो माफ़ ही रखो मुझे अभी शादी होने वाली है फिर कभी सोच कर आऊँगा खैर यहाँ हर किसी को मेहमान नवाजी का ज़बरदस्ती कहना होता है ये रखो कार्ड पढ़ लेना अपने कॉलर को ठीक करता वह उठ खड़ा हुआ वह बस उसे देखते रहे फिर गला खंखारते हुए बोले दिन गिनना शुरू कर दो सिकंदर समझ गया मगर शरारती नजरों से उन्हें देखता हुआ बोला किस चीज के शादी के अरे यार जमाली वो तो पहले से करने लगा हूँ वैसे शर्मों वाली लाली चेहरे पे आई कि नहीं वह उसकी बात पर सिर्फ हूं करते रह गए चलता हूँ उनको सल्यूट मारता वो चल पड़ा वो इस वक्त सिकंदर के स्टडी रूम में मौजूद थी वक्त का कॉलेज था दो हफ्ते से छुट्टियां की थी इस हादसे के बाद सिकंदर का कहना था वो एक महीना ना जाए मगर वक्त की जिद थी कि आगे उसके पेपर्स हैं वो अपना सिलेबस मिस नहीं कर सकती तो नाचार सिकंदर को मानना पड़ा सिकंदर तो वक्त के साथ ही निकल पड़ा था तो उसने क्या करना था बस नाश्ता करके घर का सही तरह से जायज़ा लेने लगी सब मुलाजमीन अपने कामों में मसरूफ़ थे जावेद भी उसको रोकने के लिए भी मौजूद नहीं था तो वो बड़े आराम से स्टडी रूम में पहुंच गई जो कि खुला हुआ था घर का इंटीरियर इटालियन डिजाइन पे मबनी था ऊपर छोटा सा फानूस लगा हुआ था नीचे ऑफ वाइट रंग का कारपेट जिस पे अजीब से पैटर्न बने हुए थे ब्रैकेट मूर्त की शक्लें और ड्रैगन्स बने हुए थे रिमशा को तो बेहद अजीब लगे बड़े से दीवार गिर शीशे की अलमारियाँ थीं जो छत को छू रही थी जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें डेकोरेशन पीसेज ग्लासेस शराब की बोतलें और कुछ बाहर के दिए गए तहफ़ जो कि मूरत ही थे वो भी मुख्तलिफ़ ममालिक मुंसलिक ये था अतराफ का जायज़ा अब बिल्कुल सामने पॉलिश हुई भी दीवार का बड़ा सा डेस्क और लेदर की चेयर मौजूद थी उसके साथ ही दो फ़ैंसी कुर्सियाँ पड़ी हुई थी लेदर के कुर्सी के ऊपर ही वॉल पेपर वाले दीवार पर सिकंदर और शायद बख्त की तस्वीर लगी हुई थी ब्रैकेट सिकंदर काफ़ी यंग लग रहा था वह उस वक्त क्लीन शेव में 22 23 साल का लग रहा था और उसकी गोद में 5-6 साल की वक्त बैठी अफग़ानी बिल्ली को पकड़े खिलखिला रही थी सिकंदर के चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी ब्रैकेट असल मुस्कुराहट उसे जैसे लगा था उसके एन नीचे कदरे कोने में चार शीशे के शेल्फ जिन में उन दोनों की ही तस्वीरें थीं उसमें एक खूबसूरत लड़की की भी जो बिल्कुल वक्त का आईना थी उस तस्वीर पर रिमशाह ठहर गई सामने आहिस्तगी से चलते हुए उस तस्वीर के पास आई वो बिल्कुल बख्तावर की तरह दिखती थी मगर उसकी आंखें सिकंदर पे गई थीं शायद नाक भी उस फ्रेम को उठाकर उसे देखने लगी जो सफ़ेद कपड़ों में लोंग के घास पर बैठी तितलियों को छू रही थी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए रिमशा को पता चल गया ये सिकंदर की बहन और बख्त की अम्मी थी दुख भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली उसने तस्वीर रख दी और मुड़कर सारी तरफ देखते हुए उसने गहरा सांस लिया सामने पड़े इंटरकॉम के साथ बेल भी पड़ी हुई थी लाल रंग के बटन को दबाकर वो आने वाले की मुंतजर थी थोड़ी देर में एक छोटे उम्र का लड़का तेज़ी से भागते हुए अंदर आया मगर सिकंदर की बजाय रिमशा को देख कर बौखला गया ब, बीबी जी आप यहाँ रिमशा ने दिल में अपने माथे पे हाथ मारा अल्लाह ये सिकंदर की दहशत उसने सर हिलाकर इशारा किया कि आओ वह बेचारा तो कश्मकश में पड़ गया कि जाए अंदर कि नहीं या अल्लाह कहाँ फंस गई मैं अगर तकलीफ ना होती बोलते हुए तो इन सब की हरकतों की वजह से मैंने तो वाकई चिल्लाना शुरू कर देना था खुद से कहते हुए उसने दोबारा अंदर आने को कहा उसको मैडम की आंखें दिखाना ही काफ़ी थी। झट आ गया जी मैम साहब तुम्हें समझाने के लिए लिखना पड़ेगा या ऐसे इशारों से समझाऊं? रिमशा ने इशारों से उसे कहा जी मैम आप क्या कह रही हैं लो जी लिखना पड़ेगा खुद से सोचते हुए उसने मुड़ कर देखा सामने पेंसिल बॉक्स में मुख्तफ पेन्स वगैरह पड़े हुए थे पेपर्स उसके नीचे पड़े हुए थे चल कर पेज और पेन निकालते हुए उसने उर्दू और अंग्रेज़ी में सारी बात लिख दी उसे ये सब करते हुए पूरे दस मिनट लगे थे सब कुछ चेक क्रॉस हैं सब कुछ चेक करके उसने पेपर उस लड़के को पकड़ा दिया जो पढ़ने के बाद बड़ी बेयकीनी से कभी पेपर को फिर अपने मेम साहब को देखने लगा मैम शराब की बोतलों के साथ ये मूर्त भी फेंकनी है बिल्कुल सर असबात में हिलाते हुए उसने कहा मैम सर ने कहा है रिमशा ने उसके कहने पर उसे घूरा फिर शाने उचकाए जैसे बताना चाह रही हूँ कि हाँ ऐसा ही है एकदम वो लड़का उसके कहने पर पुरसकून हो गया सर ने कहा तो फिर ठीक है लेकिन सर ने अपनी पसंदीदा महंगी फेवरेट कलेक्शन को फेंकने का क्यों कहा जरूर बेगम साहिबा का जोर होगा ये पीवियाँ मुट्ठी में कर लेती हैं बड़े से बड़े गुंडे भी इनके आगे बिल्ली बन जाते हैं रिमशा ने ताली बजाते ही उसको सोच से निकाला कि बंदे बुलाओ और शुरू हो जाओ वो जी मैम करता हुआ मुड़ गया क्या मैडम ने भाने इजाज़त दे दी ऐसा कैसे हो सकता है मूर्तियाँ भी रुको मैं उनसे पूछता हूँ ट्रेडमिल पे हैं साथ में फ़ोन पे किसी से बात भी कर रहे हैं तुम लोग कुछ भी करने से पहले क्या फेंक दी उल्लू के पट्टो सबर तो कर जाते अब कीमा बनाने के लिए तैयार हो जाओ फोन बंद करते हुए वो लब दबा के रह गया चलते हुए सामने की तरफ गया जहाँ सामने ट्रेडमिल में भागते हुए कानों पर हेडफोन्स लगाए सिकंदर किसी से गुफ्त तो शनीत में मसरूफ था इस चीज़ की फिक्र मत करो बाय एयर वाले रिस्क को मैं बिल्कुल नहीं लेता एक दफ़ा लिया था बाल बाल बचा था और तुम्हें पता है कि कैसे बचा था खैर सामान की तस्दीक करने आऊँगा कल शब आज रात को दुबई वाली पार्टी से मीटिंग है मेरी हम्म, ढाई करोड़ का माल मांग रहे हैं मैंने कहा ढाई का तो हम चार में बेचते हैं क्या बात कर रहे हो शफकत निकल गया इतनी जल्दी अच्छा अच्छा अभी सिर्फ निकला है पेशी होनी है कब तक चलो मुलाकात करते हैं उससे भी ठीक है तुम जाओ जैसे ही ट्रक आए मैसेज कर देना नहीं तो जावेद को कॉल कर लेना ओके बाय हेडफोन उतार कर वो अपनी दौड़ में मसरूफ हो गया जब आईने में उसने अपने पीछे जावेद को बड़ी कश्मकश में खड़े देखा क्या हुआ तुम्हारे मुंह पे बारह क्यों बजे हैं सब खैरियत हंसपे मामूल बनर्मी से बोलता उससे पूछने लगा जो एकदम चौंक गया फिर अपने खुश खोटों पे जबान फेरते हुए बोला वो सर आपने मैडम से कुछ फेंकने को कहा था वक्त से उसने सर नफी में हिलाया बड़ी मैडम से रिमशा से मैंने क्या कहना था क्यों क्या हुआ है उसने ट्रेडमिल गिरफ्तार कम करते हुए ताजुब से देखा अब क्या किया है उस लड़की ने सर आई मीन आपकी चीज़ें उससे कहा नहीं जा रहा था क्या फिंगवाया है उसने अब की बार उसके लहजे में संजीदगी आ गई सर आपकी सारी शराब की बोतलें और आपके तहफ़ में से मूर्तियाँ भी सिकंदर ने जैसे सुना एकदम ठहर गया क्या।, क्या सर मैम ने आपका नाम लेकर सिकंदर उसकी सारी बात समझ गया तो उसे काटते हुए बोला सब नौकरों ने फेंक दी या अभी बस हुक्म दिया है उसकी खामोशी ने सब जवाब दे दिए सिकंदर ने जोर से बटन को मारते हुए ट्रेडमिल को रोका और तोलिए को उठाकर अपना चेहरा साफ़ करता आहिस्तगी मगर ख़तरनाक लहजे में बोला कि गाड़ी निकालो गाड़ी को रोककर उसने स्टेयरिंग को थाम कर चंद गहरे गहरे सांस लिए कि वो बद दिमाग लड़की हसास भी है अगर उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतार दी तो नुकसान उसी का ही होगा काम डाउन सिकंदर जस्ट काम डाउन तुम तो उसे गुस्से से भरी आंखें दिखाओगे मगर नरमी से समझाओगे नरमी सख्ती नहीं ओके कूल खुद से कहते हुए उसने लंबी सांस खींच कर छोड़ी थी फिर स्टेयरिंग को छोड़कर उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी की चाबी सामने खड़े नवीद की तरफ उछाली जिसने तेज़ी से बिना तगोदो के कैच करके सिकंदर को सलाम किया वो सर को होले से ख़म देता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा सारे मुलाजमन तो उसकी आमद पर फौरन चौकस हो गए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने दिल में बार बार खुद को बाबर करवाया नरमी उसे नरमी से पेश आना है मगर कनपटी पे उसकी गुस्से से खोलती नीली रगें तो कुछ और ही कह रही थीं So, my Aziz listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.